कि मुगल रोड जो है वो क्लोज हो जाए, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट्स जो है वो अंदर जो है वो डाल दिए जाए। मुगल रोड एक पुरानी बनी हुई रोड है जिसका एक रास्ता जो है वो श्रीनगर की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो जम्मू की तरफ जाता है। 2000 से लेके 2003 तक यहाँ पे एक ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया, इसका नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश, जिसके अंदर जो है 100 के करीब टेररिस्ट्स वहां पे हिलकाका एरिया के अंदर जो है वो मारे गए। हमने रजौरी के अंदर 5 शूरवीरों को खो दिया। पहले भी रजौरी के अंदर जो है एनकाउंटर इस साल होते रहे हैं और हमारे जो है वो शूरवीर जान भी जान गंवाते रहे हैं। लेकिन जो है अभी ये देखना जरूरी है कि ये हो क्या रहा है। रजौरी एरिया के अंदर एक इन्फिल्ट्रेशन रूट है, कई इन्फिल्ट्रेशन रूट हैं, बल्कि ये रूट जो है खासकर पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल करता है मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए जस्ट विंटर से पहले, इससे पहले कि मुगल रोड जो है वो क्लोज हो जाए, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट्स जो है वो अंदर जो है वो डाल दिए जाए। मुगल रोड एक पुरानी बनी हुई रोड है जिसका एक रास्ता जो है वो श्रीनगर की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो जम्मू की तरफ जाता है। ये रोड जो है एज एन इन्फिल्ट्रेशन रूट पहले भी पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल करता रहा है, पहले भी हमारी जो है कैजुअलिटीज यहाँ पे जो है वो होती रही हैं। अगर आपको याद हो कि 2000 के आसपास, 2001, 2002, 2003 तक भी जो है हिलकाका का जो एरिया रजौरी के अंदर था, यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन थी, कैंप्स बना रखे थे टेररिस्ट्स ने उस दौरान। 2000 से लेके 2003 तक यहाँ पे एक ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया, इसका नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश, जिसके अंदर जो है 100 के करीब टेररिस्ट्स वहां पे हिलकाका एरिया के अंदर जो है वो मारे गए। उसके बाद इस एरिया के अंदर काफी हद तक टेररिस्ट्स ने जो है रुकना छोड़ दिया। मे बी कभी कभी उसको जो है वो इन्फिल्ट्रेशन रूट की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन वहां पे जो है स्टेबल हाइडआउट्स उनकी नहीं थी। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि ट्रेंड पिछले एक या डेढ़ साल के अंदर कि टेररिस्ट्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं और वहां पे जो है कई जगह पर हाइडआउट्स बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, OGWs यानी कि ओवर ग्राउंड वर्कर्स इस एरिया के अंदर आइडेंटिफाई करके इनको जो है बुक करके इनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर इनको जो है वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आई एम श्योर कि इस एनकाउंटर के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGWs होंगे और हमारे जो है शूरवीरों की अगर जान जो है वो बचानी है तो इन OGWs के ऊपर जो है तुरंत से कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इसके अंदर सिविल पुलिस जो है उसको मेन रोल जो है वो अदा करने की जो है वो जरूरत है। मैं दरख्वास्त करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, अभी जो है 370 हटने के बाद दे हैव डायरेक्ट कंट्रोल, वी मस्ट हैव चार्जशीट्स एट द अर्लीस्ट अगेंस्ट द ओवरग्राउंड वर्कर्स और हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो एस्टेब्लिश करने चाहिए ताकि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को जल्दी से जल्दी पनिशमेंट मिल सके। जितनी भी इंडियन आर्मी ने पिछले 10 से 12 साल में FIR लॉन्च की हैं वो जल्दी से जल्दी उनके ऊपर जो है चार्जशीट फाइल की जाए, स्पेशल कोर्ट इंस्टीट्यूट की जाए एंड दीज पीपल शुड बी पनिश्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। जब ये एक्शन जो है मिलिट्री सिविल मिलू के अंदर होगा और बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि जो है हेल्प करने से टेररिस्ट्स को Correct. तुरंत जो है सजा मिलती है, तुरंत जो है FIR लॉन्च होती है, तुरंत जो है वो उसके ऊपर एक्शन होता है। और जो है फौज की जो भी लॉन्च की हुई FIR है, मेरी ये दरखास्त है कि वो फौज की परमिशन के बिना जो है वो उसको निरस्त ना किया जाए। या तो कोर्ट के ऑर्डर से जो है वो निरस्त हो, लेकिन पुलिस के पास जो है ये पावर या अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि उसको अपने लेवल के ऊपर ही जो है उसको जो है वो निरस्त कर दे। पुलिस इज अ पार्टी इन दैट FIR, यस, बट जो प्राइमा फेसी अगर आर्मी ने कोई जो है FIR किसी OGW के अगेंस्ट जो है वो लॉन्च की है, उसके ऊपर ऑन प्रायोरिटी जो है वो एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर प्रायोरिटी पे चार्जशीट जो है फाइल होनी चाहिए और उसके ऊपर प्रायोरिटी पे जो है वो कन्विक्शन होनी चाहिए। आप देखेंगे इन द लॉन्ग रन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये OGWs की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी और जैसे मैंने कहा ये टेररिज्म ज़्यादा दिन तक अब चलेगा नहीं, ये टेररिज्म जो चलना था अभी चल गया, दो डिकेड से जो है वो चल गया और अभी आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर बिल्कुल जो है वो कमी हो जाएगी।